इसमें ला रखमान रहीम वी आर लर्निंग अबाउट एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जिसमें हम डिफरेंट तरह की स्ट्रैटीज़ देख रहे हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर हेल्पिंग आस मीटिंग गेटिंग एंड मैनेजिंग इट आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया करने लगे हैं दैट इज स्ट्रैटीज फॉर मैनेजिंग फॉरन मार्केट रिस्क यानी कि फॉरन करेंसी से रिलेटेड जो रिस्क हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि हाउ दे आर अफेक्टेड हाउ दे आर गेट तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हैं कौन कौन से फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ ट्रांजैक्शन एक्सपोयर ट्रांजैक्शन एक्सपोईर क्या है कि आपने जब कोई फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो आपके साथ एंगेज है आदर यू गोइंग टू रिसीव अ फॉरेन करेंसी इन सम टाइम और यू गोइंग टू रिसीव अ पे अ फॉरन करेंसी इन सम टाइम अभी इस वक्त कोई ट्रांजेक्शन खरीदी बेची वो तो एक सेपरेट है दैट्स डन पॉइंट इज़ कि हमें छः महीने बाद पैसे आने हैं हमने कुछ एक्सपोर्ट किया है और हमें कुछ पैसे आने हैं तो वी आर एक्सपोज टू दैट ट्रांजेक्शन तो दैट कॉल्ड ट्रांजेक्शन एक्सपोजर तो ये बाइंग में भी हो सकती है सेलिंग की वजह से भी हो सकती है रिसीव पेमेंट और या कोई लोन आपने किसी और कंट्री में दिया हुआ या किसी और करेंसी में एंड यू विल बी गेटिंग इट बैक तो दीज आर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इक्नॉमिक एक्सपोजर विद चेंजेस इन करेंसी वैल्यू अफेक्ट जैसे अगर ओवरऑल आपकी कंट्री के इंडिकेटर्स डायनेमिक्स चेंज होते हैं और उससे करेंसी पर जो इम्पैक्ट आता है दैट इज रेफर टू आर्ज इकनॉमिक एक्सपोजर असल एक्सपोजर है ही यही एक आधी ट्रांजेक्शन वाला मामला तो सेपरेट है बट ये हो सकता है कि आप किसी जगह पर कंपेटिटिव ही ना रहें आपकी लोकल करेंसी जो है वो इतनी ड्रीशिएट हो गई है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहे आपने जो चीज़ें मंगवाते थे वो आपको बहुत महंगी मिल रही हैं या आपकी करंसी अप्रीशिएट इतनी कर गई है कि आप कंपेटिटिव नहीं रहे जब एक्सपोर्ट करते हैं तो दीज आर ट्रू फॉर्म में आपके जो रिस्क हैं जो कि हमें गेज करने हैं देन इट इज ट्रांसलेशन एक्सपोयर ट्रांसलेशन एक्सपोयर की भी हम बात करते हैं ये क्या है रिस्क ऑफ कन्वर्टिंग फॉरन डोमिनेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टू डोमेस्टिक वर्ड्स आपका ईयर एंड है दिसंबर अब दिसंबर में आपने अपने अकाउंट बनाने आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपकी करेंसी तो पाक रुपीज है तो आप अपने रिसिवेबल एसिट सारे पाक रुपीज में बताएंगे तो अब कुछ आपने जो लोगों से पैसे लेने हैं या जो करेंसीज में डिफरेंट में आपके एसिड्स लाइबिलिटीज हैं दे आर नीड टू बी कन्वर्टेड टू पाक रुपीज एज एट दैट डेट और फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि बुक्स सारी इस पर बेस करेंगी शो रिजल्ट ये कर रहा होता है तो इसलिए भी इसकी इंप्ली इम्प्लीकेशन है तो ट्रांसलेशन मीन्स एक्चुअली जब पैसे आएंगे वो तो तब का रेट लगेगा लेकिन जब दिसंबर ईयर एंड है या जून ईयर एंड है तो उस रेट पे जो शो हो रहा है हो सकता है उस रेट पे गेंस या लॉसेस शो हो रहे हो तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन जाएंगे तो दीज आर

लॉन्ग है तो यू हैव टू हेज योर सेल्फ फॉर दैट ट्रांजेक्शन सिमिलरली शॉर्ट ऑफ करेंसी जब आप कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव जिसे हम ये एक टेबल इफ यू कैन सी तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हमारी क्या है रिसीविंग फॉरन करेंसी तो हमारी पोजिशन क्या है हम लॉन्ग हैं क्योंकि हमें करेंसी आनी है हम एक्शन क्या लें हम फॉरवर्ड में सेल कर दें तो होगा क्या अभी रेट लॉक कर लिया उस वक्त अब जो भी रेट होगा हमारी पोजीशन स्क्वेयर है हम लॉग्ड है इसी तरह अगर हमारी पेइंग की एप्लीकेशन है तो दैट मीन इन फैक्ट वी आर शॉर्ट कि हमें वो करेंसी आउट करनी है तो फिर अब हम क्या करें जो फॉरवर्ड में वो जाके वो करेंसी को बाय कर लें यानी अपना रिस्क जो आगे पता नहीं था, हमें अनसर्टनिटी है कि उस वक्त क्या रेट होगा उसको हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया खत्म कर लिया बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट दीज आर देज इन विच हाउ वी हैज आर एक्सपोय इसकी कुछ लिमिटेशन है और प्लस हमें देखना होता है कि हाउ मच वी आर विलिंग अभी इसकी इस पूरे पैराग्राफ के बाद यू विल अंडरस्टैंडिंग दो मेन कैटेगरीज में हमने उसको स्प्लेट कर दिया हेज फॉरन मार्केट रिस्क एंड एक्सेप्ट फॉरन करेंसी रिस्क मार्केट के रिस्क को आप हेज कर लें और जो करेंसी का रिस्क है वो आप कहें हम वी विल बी एबल टू टेक ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करी होती है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करी होती है और कॉस्टिंग और उसकी क्या इम्प्लीकेशन है दूसरी ऑप्शन क्या है करेंसी को हैज कर दो और मार्केट रिस्क रहने दो कि मार्केट का जो रिस्क है वो हम ले लेंगे या दोनों को हैज कर दो या दोनों को हैज ना करो ये मैनेजर्स की डिसीजन होती है एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही होती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस की और इवन पास्ट हिस्ट्री की भी बात हो रही होती है तो दीज ऑल डिटर्मिन कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शन एग्जिट कोई बहुत कंजर्वेटिव होगा वो कहेगा जी हेज बोथ कोई बुलिश होगा कि हमारा ख्याल से इसने अच्छा होना है वो कहेगा जी ना हेज ना करो लॉक कर लिया तो जो हमें करेंसी का फायदा है वो कैसे आएगा तो हैजिंग मीन आपका कई दफ़ा गेन पोटेंशियल को भी वो कम कर दे हेज मार्केट रिस्क वैल्यू इसमें क्या कर, कर रहे हैं कि हम फॉरन मार्केट इंडेक्स को शॉर्ट कर लें तो मार्केट में जो मूवमेंट आएगी वो हमारी वहां एड्रेस हो जाएगी और करेंसी रिस्क में क्या है अब करेंसी में चॉइस है मिनिमम वैल्यू फुल वैल्यू एस्टिमेटेड या इनिशियल प्रिंसिपल तो ये हमारा डिसीजन उस पर रेस कर रहा है तो इसका मतलब मौत ऑप्शंस अवेलेबल हैं विल स्टडी इट फर्दर थैंक यू